फ्रेंड्स, होप यू डूइंग फाइन। माय नेम इज मेहुल सोलंकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग आईसाइट। कल मैं सिसु से वापस मनाली आ गया और जहां पहले रुका था उड मनाली में, वहीं मैं रुका हूँ। और अर्ली मॉर्निंग अभी 7:30 बजे मैं निकल चुका हूँ मॉर्निंग वॉक पे। वैसे यहाँ के जो ओनर है, उन्होंने मुझे एक जगह सजेस्ट की है कि यहाँ से करीबन 10-15 मिनट के डिस्टेंस पे एक ऐसा व्यू पॉइंट है जहाँ से माउंटेन का बहुत ही प्यारा नज़ारा देखने को मिलेगा और साथ में ही सनराइज भी। तो चलिए हम चलते हैं मॉर्निंग वॉक पे और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरी होटल से करीबन 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला जो वे है, वहाँ पे आगे बढ़ते हुए मुझे एक जगह मिली है जिसे हम एक व्यू पॉइंट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको ब्यास रिवर, माउंटेन्स और थोड़े दूर स्नो कवर्ड माउंटेन का जो अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा, भाई साहब उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे वर्णन करूँ। वैसे यहाँ पे एक रास्ता है जहाँ से होते हुए आप रिवर तक पहुँच सकते हो और रिवर के पास में मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक भी कर सकते हो। और एक ऊपर ट्रेल भी है जहाँ से ट्रैक करते हो, आप ऊपर भी जा सकते हो। मैं तो वहाँ नहीं जा रहा, यहाँ पे ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठूँगा, सनराइज़ को एंजॉय करूँगा और बाद में मैं जाऊँगा अपनी होटल और मैं बाद में आपको दिखाऊँगा कि मैं किस होटल में रुका हूँ। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग व्यू पॉइंट से वापस आने के बाद मेरी होटल से कुछ ऐसा प्यारा नज़ारा देखने को मिल रहा था, तो मैंने भी ब्रेकफास्ट के लिए चाय और आलू परोठा ऑर्डर किया जो टेस्ट में काफ़ी अच्छा था। तो मैं रुका हूँ हिमालयन कंट्री हाउस में जो ओल्ड मनाली में मनु टेम्पल के बिल्कुल ही पास में। वैसे मैं यूजुअली किसी होटल को सजेस्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे स्टे करने के लिए मैं आपको ज़रूर रिकमेंडेड करूँगा और उसके मल्टीपल रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि ओल्ड मनाली में एक शांत एटमोसफियर वाली जगह है और दूसरा रीज़न यहाँ से आपको जो व्यूज़ देखने को मिलेंगे, भाई साहब उसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ। तीसरा रीज़न कि यहाँ का खाना काफ़ी ऑथेंटिक और डिलीशियस है। चौथा रीज़न यहाँ पे जो प्लेसेस टू विजिट है, जैसे कि मनु टेम्पल है, हडिम्बा टेम्पल है, रिवर है, काफ़ी पास में है। यहाँ पे जो मार्केट है, फिर कैफेस है, वो आप भी नाइट लाइफ में एंजॉय कर सकते हो। और फिफ्थ रीज़न, ये जो स्टे है, ये जो होटल है, उसके आसपास में मतलब पूरा गाँव है, तो आप लोकल कल्चर भी एक्सप्लोर कर पाओगे। तो मैंने तो डिसाइड किया है कि मैं जब भी आऊँगा मनाली यहीं स्टे करने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको यहाँ की रूम टूर करवा देता हूँ, बाद में हम आगे बढ़ेंगे जो ये ओल्ड मनाली है वहाँ पे यहाँ वहाँ घूमते हुए उसे एक्सप्लोर करेंगे। कल इवनिंग में मैंने होटल में हॉट एंड सावर सूप ट्राई किया और वहाँ की लोकल डिश की प्रिपरेशन को रिकॉर्ड भी किया। अभी आप जो देख रहे हो उस फूड आइटम का नाम है गिस्से, जिसे आटे और घी के साथ छोटे छोटे पीसेस बनाए जाते हैं। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ की फैमिली के सारे मेम्बर्स साथ में हाथ बताते हैं और बड़े प्यार से बनाते हैं। वैसे गिस्से को गर्म पानी में दूध में पकाया जाता है और जो डिश बनती है वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगा, लेकिन उससे पहले एक और पॉपुलर फूड आइटम को देखते हैं जिसे सिद्धू कहते हैं। आटे की रोटी में डिफरेंट चटनी को लगाने के बाद उसे एक शेप दिया जाता है और यूजुअली आपको हर जगह पे सिद्धू का एक ऐसा ही शेप देखने को मिलेगा। बाद में उसे एक बड़े बर्तन में स्टफ किया जाता है। वैसे ये हिमाचल की लोकल वेज थाली है जिसमें सिद्धू, गिस्से, रेड राइस, मदारा, राजमा और कढ़ी है। और आप जब भी हिमालयन कंट्री हाउस होटल में रुके ये लोकल डिश ट्राई करना कभी ना भूलें। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं ओल्ड मनाली को एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे आज डेट है 21 दिसंबर और यहाँ का टेम्परेचर है 3 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं और बाय वॉक मतलब चलते हुए ओल्ड मनाली को हम एक्सप्लोर करते हैं। जगह पे आके मुझे ऐसा लगा कि बस यहाँ रास्ता खत्म,
मतलब ये जो रॉक है उसके दूसरे साइड में आया और देखा तो यहाँ पे तो भाई साहब स्टेप्स बने ऊपर जाने के लिए। तो कोई बात नहीं, अब जाते हैं ऊपर और देखते हैं कि वहाँ क्या है। तो यहाँ पे जो स्टेयर्स कैफे है वहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ से आगे का जो रास्ता है वो मुझे ठीक नहीं लगा क्योंकि पानी की वजह से पूरा कीचड़ कीचड़ हो चुका है। तो यहाँ पे शायद हम यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। मैं ट्राई करूँगा कि कोई रास्ता मुझे मिल जाए। अगर हम आगे नहीं जा पाएंगे तो वापस जाएंगे और वापस जाते हुए दूसरा कोई रास्ते से हम नीचे की ओर जाएंगे। अभी हम ऊपर आए ऐसे ही हम नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये मनु टेम्पल है वहाँ से हम गए थे ऊपर और अब हम जा रहे हैं इस रास्ते नीचे की ओर। और इस रास्ते अब जाए गए नीचे, तो देखते हैं कि नीचे हमें क्या एक्सप्लोर करने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ लोकल के साथ एप्पल के बारे में बात करते हुए मुझे ये जानने को मिला कि यहाँ पे एप्पल की जो खेती है वो सबसे ज़्यादा होती है फार्मिंग, लेकिन साल में एक ही बार होती है। लेकिन अगर उसकी फसल जो अच्छी हो गई तो भाई साहब आप सोच भी नहीं सकते उतने पैसे मिलते हैं, लेकिन मेहनत भी उतनी ही होती है, तो वो टोटली वर्थ है। ये सारा मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ये सारे एप्पल के फार्मिंग चल रही है, यहाँ पर कटिंग वगैरह चल रही है। तो बस ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं हम, तो चलिए आगे। वैसे एप्पल आते कब है? अगस्त में 15-16 अगस्त। अच्छा, तो अगस्त में आपने बोला ना कि तब एप्पल आते हैं, तो एक पेड़ पे कितने आते हो? 50-100 कितने आते हैं? कभी ज्यादा भी आते हैं, कभी कम भी आती है। मतलब कितने? पेड़ में रखो आप 100 बॉक्स। 100 बॉक्स? मतलब एक बॉक्स में कितने आते? 20 केजी। इतने सारे एप्पल होते हैं एक पेड़ पे? हाँ जी, अगर होने लगे तो। अच्छा, तब अगर कभी कम भी होते हैं ज्यादा भी होते हैं बस आए। हाँ, बहुत बढ़िया। तो एक एक पेड़ पे इतने 100 बॉक्स? हाँ जी। और एक बॉक्स में 20 केजी एप्पल? बाप रे, सही है। तो फिर मेहनत है, एक साल में एक ही बार होता है तो मेहनत भी है, और ये कटिंग करना, इसका केयर करना। तो हाँ जी, तो यहाँ से दो रास्ते, एक जाता है राइट जो ओल्ड मनाली ब्रिज है वहाँ इस साइड, तो वहाँ तो हम नहीं जाने वाले। ये रास्ता है, कहाँ जाता है वो हमें नहीं पता, तो चलिए इस रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही चलते हुए फाइनली हम पहुंच चुके हैं ब्यास बिहार नेचर पार्क। वैसे ये जगह बाहर से तो दिखने में काफी खूबसूरत लग रही है, अंदर जाके देखते हैं कि सच में ऐसी है या नहीं। लेकिन अंदर जाने के लिए एंट्री टिकट है पर पर्सन 40 रुपीस। वैसे यहाँ का टाइमिंग है सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक, और एवरीडे ओपन भी रहता है। तो चलिए जल्दी से अंदर जाते और एक्सप्लोर करते हैं। ट्रैक पर चलते हुए वैसे तो मज़ा आ रहा है, लेकिन मैंने टिकट काउंटर पे ऐसे इंक्वायरी की थी कि ट्रैक कितना है लंबा, तो उन्होंने बताया था कि करीबन 1.5 किलोमीटर जितना है, और 1.5 किलोमीटर में आपको बहुत सारे छोटे बड़े अट्रैक्शन देखने को मिलेंगे। कुछ लेक्स है आर्टिफिशियल, ये मेरे हिसाब से यहाँ पे जो भी कुछ बनाया गया है ज़्यादातर आर्टिफिशियल है।
तो ये ट्रैक कंप्लीट करने में मुझे करीबन एक घंटे जितना टाइम लगेगा। आप अगर अपने फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप के साथ आ रहे हो तो यहाँ पे फोटोग्राफी करते हुए बैठ सकते हो, कोई अच्छी जगह पे टाइम स्पेंड कर सकते हो, तो ज़्यादा भी समय लग सकता है। वैसे ये जगह अभी इतनी पॉपुलर नहीं है, तो यहाँ पे मुझे कोई पब्लिक दिख ही नहीं रही, दो चार लोग ही है जो यहाँ घूम रहे हैं। तो चलिए इस ट्रैक को हम कंप्लीट करते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि ब्यास रिवर है उसके पानी को यहाँ पे डाइवर्ट किया गया है और यहाँ से होते हुए वो लेक में जाएगा और लेक में से जो आगे स्ट्रीम जाएगी वो वापस ब्यास रिवर में मिल के जाएगी। तो कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट है ऐसा मुझे लग रहा है, आई माइट बी रॉन्ग बट एज फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा ही कुछ है। तो मेरे पीछे है ब्यास रिवर, वैसे अभी तो पानी नहीं है लेकिन मॉनसून के टाइम में ये सारी जगह जहाँ पे अभी रॉक्स दिख रहे हैं वहाँ पे पानी ही पानी होगा। वैसे मैं ट्राई करूँगा कि वहाँ रिवर तक, मतलब जहाँ पानी बह रहा है वहाँ तक जा पाऊँ और आपको ये रिवर भी दिखा पाऊँ। तो चलिए ट्राई करते हैं वहाँ तक जाने के लिए। तो रिवर के पास में आके मुझे सच में इतना अच्छा लगा, सुकून मिला ऐसा कहूँ तो भी गलत नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि धूप है तो ठंड भी नहीं लग रही और सराउंडिंग व्यू तो इतना प्यारा लग रहा है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। व्हाट अ अमेजिंग प्लेस, आपको यहाँ पे तो ज़रूर आना ही चाहिए। बहती हुई रिवर, बड़े बड़े पहाड़ और सुकून वाला एनवायरमेंट, माइंड ब्लोइंग। मनाली जैसे ओवर क्राउडेड सिटी में ऐसी शांत पीसफुल सुकून और सीनिक जगह होना मतलब आशीर्वाद समान है। सच में मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वैसे मैं अब एक अच्छी जगह ढूंढ के वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है कि अगर मैं नाश्ते के लिए कुछ लेके आता तो अच्छा रहता, लेकिन पानी की बॉटल है तो कोई बात नहीं, पानी पीते हुए एंजॉय करेंगे और रेस्ट करेंगे। तो बस चले जा रहा है इस ट्रैक पे। वैसे मेरे हिसाब से अब आधे घंटे में मैं इस पार्क से बाहर निकल जाऊंगा, तो चलिए अपने साथ। नेचर पार्क में हमने वॉक करते हुए ये जो पूरा ट्रेल था वो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मैंने एज्यूम किया था कि मैं एक घंटे में कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन इस पार्क ने मुझसे डेढ़ घंटे जितना समय ले ही लिया। अब 3:30 बज चुके हैं और मुझे जाना है वापस अपनी होटल, क्योंकि मुझे निकलना है 7 बजे शिमला के लिए। और यहाँ से मैं वापस जाऊँगा, वहाँ पर अपना लगेज पैक करूँगा और फिर वहाँ से बाई वॉक जाऊँगा मॉल रोड जहाँ पर बस स्टैंड है वहाँ। तो 7 बजे की मेरी बस है शिमला के लिए, तो हम मिलेंगे कल। तब तक अपना ख्याल रखें। सेव नेचर, सेव वाटर, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।